त्रिहान होम डेवलपर्स द्वारा अपना घर शालीमार एक्सटेंशन योजना में सीवरेज प्लांट की शिकायत मामले की जांच करने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी सोनाली चौधरी पहुंची। स्थानीय निवासी लक्ष्मी नारायण यादव की ओर से प्रधानमंत्री पोर्टल पर करीब 14 बार शिकायत की गई। शिकायत के संदर्भ में राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलवर ऑफिस की रीजनल ऑफिसर सोनाली चौधरी मंगलवार को अपना घर शालीमार एक्सटेंशन पहुंची, जहां उन्होंने मौका निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने पाया कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। भक्ति धाम मंदिर के पीछे खाली प्लॉट में सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से वहां अब कीचड़ बन गया है। मौका निरीक्षण के दौरान रीजनल ऑफिसर सोनाली चौधरी ने एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर त्रिहान होम डेवलपर्स के द्वारा 3 एसटीपी प्लांट का रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि मौके पर 2 ही एसटीपी प्लांट कार्य कर रहे, जिनकी क्षमता भी स्थानीय जनसंख्या घनत्व से कम है। रीजनल ऑफिसर सोनाली चौधरी द्वारा दोनों एसटीपी प्लांट से निकलने वाली ट्रीटमेंट वाटर का सैंपल लिया गया। सैंपल का लैब परीक्षण किया जाएगा, यदि उसमें अपशिष्ट की मात्रा अधिक पाई गई तो त्रिहान होम डेवलपर्स के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें शालीमार की उसका डिस्पोजल वाटर डिस्पोजल की कंप्लेंट्स मिल रही थी हम लोग को यहाँ पर अपने ऑफिस में, तो उसका वेरिफिकेशन के लिए आज हम लोग वहाँ गए थे शालीमार अपना घर शालीमार। तो वहाँ 2 एसटीपी अभी कार्यरत हैं, उन 2 एसटीपी का निरीक्षण किया गया और दोनों की ही वाटर सैम्पलिंग की गई है। जो आउटलेट वाटर होता है उसकी सैम्पलिंग करी गई है। अब उसके फर्दर वो रिजल्ट आने में जो टाइम लगेगा, उसके बाद रिजल्ट्स के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे कि ये विद इन पैरामीटर्स है या नहीं है। त्रिहान होम डेवलपर द्वारा अपना घर शालीमार एक्सटेंशन योजना में करीब 4,000 फ्लैट व प्लाट बनाए गए हैं। वर्तमान जनसंख्या स्थिति स्थानीय निवासी करीब 16,000 हैं। इन 16,000 जनसंख्या के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सोसाइटी डेवलपमेंट होने के बाद बनाए गए हैं। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा मिले दस्तावेज के आधार पर 3 एसटीपी प्लांट रजिस्ट्रेशन दस्तावेज दिए गए हैं, जबकि मौके पर केवल 2 प्लांट ही कार्य कर रहे हैं और उनकी क्षमता भी स्थानीय जनसंख्या घनत्व के हिसाब से कमतर ही है। मेरे द्वारा प्रधानमंत्री पोर्टल पर पिछले 4 साल से करीब 14 बार मैं दस्तावेज की शिकायत दर्ज की गई है।